मध्य प्रदेश के सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को दो विशेष छुट्टी की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जानकारी साझा की। 19 अगस्त को रक्षाबंधन और 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बैंक कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत इन छुट्टियों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने राज्य के अन्य कर्मचारियों की तरह त्योहारों पर अवकाश देने की अपील की थी। बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के अपील की थी कि उन्हें भी रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में छुट्टी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री यादव ने इस मांग को स्वीकार करते हुए राज्य के बैंक कर्मचारियों को इन दो विशेष दिनों पर अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री यादव की सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए 46,491 पदों को भरने की स्वीकृति दी है, जो अगले 3 सालों से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए 1500 और पुलिस विभाग में 7,500 आरक्षणों की भर्ती भी दी जानी है। स्कूल शिक्षा विभाग में 19,000 शिक्षकों की नियुक्ति और बैकलॉग में 8,000 पदों को भी जल्द भरा जाएगा।